दरभंगा जिला कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और प्रसिद्ध समाज सेवी जियाउर रहमान उर्फ बब्बन, जिनकी अपराधियों ने बीते दिन निर्मम हत्या कर दी थी, उन्हें शुक्रवार को हजारों नम आंखों के बीच सुपुर्द खाक किया गया। इस दौरान जिला भर से सियासी और आम लोगों की भीड़ उन्हें अंतिम विदाई देने उमड़ पड़ी, चाहे वह पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी हो या फिर कांग्रेस नेता मशकूर उस्मानी। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव भी पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली और अपनी संवेदना प्रकट की। उधर पुलिस भी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि नमाज जनाजा के दौरान ही दो लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जबकि प्राप्त सूचना के अनुसार अब तक इस मामले में 3 से 4 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस तफ्तीश कर रही है। इस पे आपका क्या कहना है सर? नहीं, बहुत अफसोसनाक है और अभी तक इसका वजह नहीं मालूम हुआ है, लेकिन मौत किसी की हो ये तो बहुत ही दर्दनाक है और इससे ज़्यादा बुरी बात कुछ हो नहीं सकती है। तो लेट अस सी के आगे क्या वजह थी, क्या रीज़न था, क्यों मौत हुई, इसका पता चलेगा। पुलिस अपना काम करेगी। सर, आप लोग प्रशासन का दबाव बनाएंगे कि जल्द से जल्द इसके इसका उद्भेदन? दबाव की ज़रूरत ही नहीं है भाई साहब, ये तो मर्डर केस है, ये तो सरकार लगती है। इट इज़ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक इन टू और उसको इन्वेस्टिगेट करे और पता लगाए। सर, सरकार बदलने के बाद इस तरह की हत्याएं काफ़ी बढ़ गई। सरकार बदलने और रहने से नहीं होता, ज़्यादातर जो इस तरह के जो कत्ल होते हैं उसमें 90-95% या तो कोई पुरानी रंजिश होती है उसमें होता है, ज़मीन जायदाद को लेके होता है, लड़का लड़की का मामला होता है उसमें होता है 95%। जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि दो पीढ़ी पहले लड़ाई हुई हो उसका बदला अब ले रहा हो कोई, तो इसको कोई भी सरकार दुनिया के किसी कोने में समझ नहीं सकती है कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है। हर आदमी का इंडिविजुअल ब्रेन है, अब ब्रेन की मैपिंग कोई भी पुलिस नहीं कर सकती है। तो वो ठीक है कि जो भी क्राइम हो उसमें सख्ती से उसके एंड तक पहुंचना चाहिए, कोई भी मौत हो जाए, किसी का अटेम्प्ट टू मर्डर हो, कोई भी आपको कोई छोटा ही चोट पहुंचाए तो किसी को अधिकार नहीं है कि दूसरे को दलील करे, चपत्ती मार दिया तो क्यों मारोगे भाई। तो इसको पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए इस तरह के जितने मामला हैं और उसको अपना जो भी कदम है वो बढ़ाए पुलिस। पर आपका क्या कहना है? देखिए, किसी भी सबसे पहले तो हम लोग आए हुए हैं कैद साहब और उनका पूरा परिवार, हम लोगों से आज से नहीं ज़माने से हम लोगों से फैमिली रिलेशन, फैमिली टर्म्स रिलेटेड के तौर पर रहे। तो सबसे ज़्यादा अफसोसनाक यही है कि आज उनके अपने दामाद इस दुनिया में नहीं रहे, हम सब लोग उनके साथ हैं इस दुख की घड़ी में, ये पूरे परिवार के साथ। रही बात जो आज जो क्राइम हुआ, जो कल सोबन जैसे सबसे बड़ा गांव कहा जाता है इस इलाके में, तो ये काम किसी आप किसी पार्टी से रिलेट मत कीजिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन को काम करने दीजिए, लेट द पुलिस इन्वेस्टिगेट। क्या कंक्लूजन आता है, क्या उसके नतीजे आते हैं, हमें उसका इंतज़ार करना चाहिए। कि हम ना किसी पे दबाव डालें ना कुछ करें, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो करके और जो जिसने ये क्राइम किया है उसकी जल्द से जल्द अरेस्टिंग हो, इस पर हमें पहल करनी चाहिए, हमें इस पर आगे बढ़ना चाहिए। तो पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने दीजिए, अपना काम करने दीजिए, हम लोग अभी इंटरफेयर नहीं करना है। अच्छा,